नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से a पैरल प्लेट capacitor इज कनेक्टेड टू अ बैटरी प्लेट्स आर pulled apart with a यूनिफॉर्म स्पीड इफ एक्स इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स सवाल ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी प्रोपोर्शनल टू हमारे ऑप्शन है एक्स एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स या फिर वन बाई एक्स स्क्वायर नाउ सवाल मुश्किल नहीं है कई बार नीट के स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाते थे तो ये कैसा सवाल है इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए बहुत आसान सवाल है आ, इसको ऐसे देखिए कि आपकी कैपेसिटर है उनके बीच में इस वक्त सेपरेशन एक्स है और उसको आप किसी वेलोसिटी वी डी एक्स बाई डी टी जो कि यूनिफॉर्म है उससे उनको सेपरेट कर रहे हैं ना अपना सवाल यह है कि इसका एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो आपकी एनर्जी होती है उसको आप लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं हाफ सी एप्सलोनॉट ए डिवाइडेड बाई एक्स वी स्क्वायर एक्स यहाँ पर आपका ये है जो कि इस वक्त सेपरेशन है अब हमें बताना है कि ये एनर्जी कैसे वेरी कर रही है सो so, हमें बताना है डी यू बाय डी एक्स सो डी यू बाय डी एक्स अब इसको पकड़ के हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा सो इट विल बी डी बाय डी एक्स और वन बाय टू एप्सो ए डिवाइड बाय एक्स वी स्क्वायर नाउ एप्स नाट एप्स नाट ए वी स्क्वायर ये सब कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे एक्चुअली डिफरेंशिएशन हमें वन बाय एक्स स्क्वायर का करना है सो so, जो डिफ्रेंशिएशन होएगा दिस विल बी इक्वल टू वन बाय टू एप्सुलर नॉट ए वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक माइनस साइन का माइनस का साइन आ जाएगा विच मीन्स जो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है डी यू बाय डी एक्स वो आपका प्रोपोर्शनल है वन बाई एक्स स्क्वायर के हैंस वी कैन से ऑप्शन नंबर ए वन बाय एक्स स्क्वायर वुड बी द राइट चॉइस